हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मावल बॉर्डर अलर्ट खाकी की जा रही वाहनों की जांच। राजस्थान आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 रिपोर्ट लाना किया गया है आवश्यक। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व गुजरात से आने वाली यात्रियों को कोविड रिपोर्ट की जांच के हैं निर्देश। गुजरात से सटे मावल सरहद पर गुजरात, केरल, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश से आने वाले वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। यात्रियों से आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट तलब की जा रही है। रिपोर्ट लाने व नहीं लाने वाले यात्रियों का नाम, पता व संपर्क नंबर का रजिस्टर में इंद्राज किया जा रहा है। जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी के चलते मावल सरहद पर राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व गुजरात से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक करार दिया गया है। इसी के चलते मावल बॉर्डर पर 3 पारियों में 6 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसके चलते 28 फरवरी से ही केरल, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश से आने वाले वाहनों को मावल सरहद पर ही रोका जा रहा है। वाहन सवार यात्रियों से 72 घंटे पूर्व की कोरोना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट तलब की जा रही है। रिपोर्ट लाने वाले व नहीं लाने वाले यात्रियों का अलग अलग रजिस्टर में इंद्राज किया जा रहा है। उनका नाम, पता आदि का इंद्राज किया जा रहा है। रिपोर्ट देखने के बाद आवश्यक कार्रवाई के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी के चलते मावल बॉर्डर पर आने वाले वाहनों को रोका गया। वाहनों में सवार लोगों से जानकारी ली गई। आवश्यक जानकारी का इंद्राज किया गया। वाहनों में सवार लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर उन्हें मास्क लगाने की चेतावनी दी गई। हाथों हाथ मास्क लगवाया गया। इसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी गई। 424 लोगों की जांच। मावल सरहद पर 28 फरवरी से ही जांच कार्य शुरू कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल व मध्य प्रदेश से आने वाले वाहनों को रोका गया, जिसके चलते 28 फरवरी से अब तक 424 लोगों की कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच की गई, जिसमें 387 लोग रिपोर्ट नहीं लाए, जबकि 37 लोग कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ पहुंचे। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जागरूक टीवी के आबू रोड से खास रिपोर्ट।